दोस्तों चैनल का नाम है दनूब, मेरा नाम है वहाद, मेरा नाम है वुज्जू, WUJJU वुज्जू कर रहा है भाई यहाँ पे। मुझे भी तो होना चाहिए सेटअप टूर की वीडियो में। नहीं तेरी कोई जरूरत नहीं है, चला जा तू यहाँ। अच्छा भाई चले जाते हैं, करता रहता है। तो दोस्तों ये था मेरा जुड़वा, मेरा ट्विन ब्रदर जो मेरे भेजे की दही करता रहता है। पर आज मैंने सोचा मैं तुम लोगों को अपने सेटअप की, ये जो मेरा सेटअप है कंप्यूटर सेटअप पूरा स्टूडियो, इसका एक कंप्लीट डिटेल में टूर करवा दूं और एक एक चीज की कंप्लीट डिटेल तुम लोगों को दे दूं, ताकि तुम लोगों को एग्जैक्ट अंदाजा हो जाए कि मेरा सेटअप वगैरह कितने का बना हुआ है और क्या क्या चीजें इसमें स्पेसिफिक हैं। जो लोग नहीं जानते उन सबको बता दूं कि ये चैनल मैंने द नूब बनाया था अपना पिछले साल के 2022 के 31 मार्च को, जब मैंने अपना ये कंप्यूटर बाय किया था, जो कि मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था। मेरे हिसाब से बहुत महंगा कंप्यूटर है यार, लेकिन हो सकता है तुम लोगों के हिसाब से बहुत ही सस्ता कंप्यूटर हो, क्योंकि मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो 2-2, 3-3 लाख रुपए के कंप्यूटर्स लेकर बैठे हैं। तो इतना तो नहीं है, ये सस्ते वाला कंप्यूटर है, लेकिन ये सारे गेम्स मेरे चला देता है। अगर जरा सी सेटिंग कर दूं, अच्छी सेटिंग्स कर दूं, तो बहुत अच्छे तरीके से गेम्स चला देता है। तुम लोगों को अभी कंप्लीट डिटेल इसकी देता हूं, ग्राफिक्स कार्ड की भी, कंप्यूटर की भी, और अपने पूरे स्टूडियो का टूर भी देता हूं तुम लोगों को। तो दोस्तों तुम लोगों को मेरे ये सेटअप टूर में जितनी भी चीजें नजर आएंगी, आधी से ज्यादा जुगाड़ है, ये देख सकते हो जुगाड़ पड़े हुए, और आधी से ज्यादा सस्ती से सस्ती चीजें ढूंढ के मैंने निकाली हुई है और फिर जाकर अपना ये कंप्लीट स्टूडियो बनाया हुआ है, जो कि दिखने में अच्छा लगता है, वीडियो में बहुत अच्छा लगता है, रियल में इतना अच्छा है नहीं, बहुत बुरी हालत है इसकी, बहुत ही जुगाड़ मार मार के मैंने ये बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये जो मैप नजर आता है मेरे पीछे, ये मैंने उर्दू बाजार, कराची के उर्दू बाजार से 100 रुपए का खरीदा है ये मैप और दीवार पे चिपका दिया है। बहुत अच्छा लगता है, ये खूबसूरत सा मैप लगता है, लेकिन ये सिर्फ स्टिकर है। इसके अलावा तुम लोगों को ये जो फोम नजर आता है, ये साउंड अकुस्टिक फोम नहीं है, ये बेसिकली जो मरीजों के नीचे डाला जाता है ना गद्दा, उस टाइप का ये फोम है, लेकिन ये काम वही करता है, सेम वही काम करता है, क्योंकि इसकी भी ऐसी शेप होती है कि साउंड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फालतू की वाइब्रेशन और इको वगैरह नहीं आता। ये सबसे पहले जो मैंने खरीदी थी इकबाल मार्केट से, उसकी बकायदा वीडियो भी है, ये वीडियो तुम लोग लाजमी देख लो। ये मैंने खरीदी थी, सबसे पहले खरीदी थी 1200 रुपए की, 6x3, 6 फिट x 3 फिट की। उसके बाद फिर मैंने ये खरीदी 1500 रुपए की, उसके बाद खरीदी 2000 रुपए की। तो ये बढ़ती गई महंगी हो गई, अब इकबाल मार्केट पर हो सकता है थोड़ी सी और महंगी हो गई हो। इसके अलावा ये चेयर की हिस्ट्री तो तुम लोगों को पता ही है, ये मेरी एयर कंडीशन चेयर, ये मैंने 600 रुपए की खरीदी थी, ये भी बहुत आला चेयर है। हाँ माइक का तुम लोग बहुत पूछते हो, मैंने माइक यहाँ पर रखी दिया है, ये है K9 माइक, ये डब्बा भी मैंने साथ में रखा हुआ है, और ये माइक है जो मैं यूज करता हूँ, ये दो माइक इसमें निकले हुए, एक में हुज़ैफ़ा ओवेस वगैरह को पहना देता हूँ, एक में खुद ले लेता हूँ अगर मुझे उन दोनों के साथ वीडियो बनानी होती है। ये मैंने खरीदा था 2400 रुपए का। इसके अलावा दोस्तों स्टैंड और लाइट्स तुम लोगों को नजर आ रही है, इनमें से ये वाली जो लाइट है ये मैंने जुगाड़ से बनाई हुई है, ये तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये दूध का डब्बा है, दूध के डब्बे में मैंने बल्ब लगाया हुआ है और ऊपर फिर मैंने उसके बटर पेपर चढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छी लाइट बन गई है। उसके अलावा वो भी जो लाइट है वो भी मैंने अपना हेडफोन का, वो जो हेडफोन पड़े हुए उसके डब्बे पर बटर पेपर चढ़ाया हुआ है और उसमें भी बल्ब लगाया हुआ है। तो ये जो दोनों लाइट मुझे जो पड़ी है, जो मैंने जुगाड़ से बनाई हुई ये वाली और ये वाली, ये दोनों टोटल मुझे 500 रुपए की पड़ी है। अब ये रिंग लाइट जो तीनों है, ये तीनों रिंग लाइट मुझे टोटल जो पड़ी है ये अराउंड 3000 की रिंग लाइट पड़ी है, और इसके अलावा ये जो दोनों स्टैंड, तीनों स्टैंड नजर आ रहे हैं, ये भी टोटल मुझे 3000 रुपीज के पड़े। ये छोटे वाला मुझे फ्री में मिला था और ये बाकी बड़े जो स्टैंड है ये मैंने टोटल 3000 रुपीज में खरीदे। हाँ माउस दोस्तों, मैंने कोई गेमिंग वाला माउस नहीं लिया हुआ, ये आम सा माउस लिया हुआ है, अच्छा माउस है, ये सही चल जाता है, और ये अराउंड मैंने 1000 रुपीज का लिया था। फिर कीबोर्ड भी मेरा देख सकते हो सस्ते वाला कीबोर्ड है, कोई RGB लाइट वाइट इसमें नहीं चमक रही, मुझे कोई लाइट वाइट नहीं चाहिए होती अपने माउस और कीबोर्ड में। तो ये मैंने 500 रुपए वाला कीबोर्ड लिया था, और देख सकते हो मेरा माउस और कीबोर्ड दोनों सिंपल से हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों तो मेरा ये हेडफोन है, ये मैंने टोटल खरीदा था 1200 रुपए का, जहां तक मुझे याद है। ये भी कोई RGB लाइट वगैरह वाला नहीं है, मुझे लाइटें कुछ पसंद ही नहीं है, सिंपल सी चीजें पसंद है, तो ये मैंने सस्ते वाला ले लिया था। इसकी हालत भी बेचारे की खराब हो रही है अब, लेकिन ये मैंने 1200 रुपए का लिया था। इसके अलावा ये मॉनिटर है, ये मनहूस मॉनिटर, इसने मेरी जिंदगी अदाब बनाई हुई है। ये मैंने गलती से 16:10 रेशियो का ले लिया है, 16:10, 16:10 रेशियो का कभी मॉनिटर नहीं लेना, लो तो 16:9 रेशियो का लेना, क्योंकि वो YouTube का रेशियो होता है और हर मोबाइल डिवाइस स्क्रीन वगैरह का सबका वही रेशियो होता है, तो तुम्हारी वीडियोस वगैरह बनना इजी हो जाएगी, वरना मेरी वीडियोस की तरह तुम लोगों को भी ऊपर से भी वीडियो कट करनी पड़ेगी, नीचे से भी वीडियो कट करनी पड़ेगी। तुम लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि वीडियोस मेरी कट हुई भी होती है, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि ये मनहूस मॉनिटर 16:10 रेशियो का है। और ये दोस्तों मॉनिटर मैंने लिया था 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपए का। और दोस्तों फाइनली मेरा पीसी ये है, तुम लोगों को नजर आ रहा है, इसको हर वक्त मैं नंगा करके रखता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को पता है ये मरीज कंप्यूटर है, बिल्कुल बीमार हो जाता है। तुम लोग बोलते हो इसमें मैं ग्राफिक्स मॉड डालूं, अबे भाई इसमें मैं कैसे ग्राफिक्स मॉड डालूं, इसकी हालत देख रहे हो तुम। इसमें मैं जैसे ही कोई ग्राफिक्स मॉड डालता हूं, GTA 5 की या GTA 4 की, आखिरी सांसें लेने लग जाता है और बोलता है मैं जा रहा हूं। इसी वजह से मुझे मॉड निकालनी पड़ जाती है GTA 5 की या GTA 4 की। ये देखो ये इसके लिए एक्स्ट्रा पंखे भी मैंने रखे हुए, कभी कभी ये भी चला देता हूं मैं, ताकि ये ठंडा हो जाए और ज्यादा मरीज ना बने। ये दोस्तों कंप्यूटर मुझे पड़ा था 15
₹15,000 का, ₹15,000 का, और इसका ये ग्राफिक्स कार्ड जो तुम लोगों को नजर आ रहा है ये मुझे पड़ा था ₹30,000 का, ₹30,000 का। इसकी आगे फर्दर डिटेल भी तुम लोगों को मैं कंप्यूटर ऑन करके दिखाता हूँ कि कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस और ग्राफिक्स कार्ड की स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या है। ये दोस्तों मैं तुम लोगों को सारे पाकिस्तानी रेट के हिसाब से बता रहा हूँ कि कराची में मुझे कितने का पड़ा ये सारा कुछ, ये पाकिस्तानी रुपीज में है पीकेआर में। एंड में मैं तुम लोगों को अपने पूरे सेटअप का टोटल भी करके बता दूंगा कि मुझे कितना टोटल में पड़ा ये पूरा स्टूडियो। तो यहाँ पर दोस्तों तुम लोग देख सकते हो मेरी पहले सीपीयू की डिटेल्स तुम लोगों को बता देता हूँ, कंप्यूटर की डिटेल्स बता दूं। यहाँ पर सीपीयू देख सकते हो इंटेल कोर i5-2400 सीपीयू है, यानी सेकंड जनरेशन का सीपीयू है, और 3.10 गीगाहर्ट्ज 4 कोर है ये। और इसके अलावा रैम जो मेरी लगी हुई वो 8GB रैम लगी हुई है, और DDR5 है जहां तक मुझे याद है, 8GB रैम DDR5। विंडोज 10 में हमेशा यूज करता हूँ, तुम लोगों को भी विंडोज 10 ही रेकमेंड करूंगा। विंडोज 11 मॉडिंग वगैरह के लिए, गेमिंग वगैरह के लिए अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि जरसी बात है सारे मॉडल्स अभी विंडोज 10 वगैरह के लिए ही काम करते हैं। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर और ड्राइवर की डिटेल्स वगैरह आ गई। फिर तुम लोग ऊपर चले जाओगे तो ये मेरे ग्राफिक्स कार्ड की कंप्लीट डिटेल आ जाएंगी। ये ग्राफिक्स कार्ड GPU है रेडियन AMD रेडियन RX 550, यानी 550 सीरीज का ये, और इसकी जो रैम है वो 4096 MB है, GDDR5 1500 MHz मेगाहर्ट्ज 1500 है, और रैम जो है वो 4GB है। तो 4GB का मैंने ग्राफिक्स कार्ड लगाया हुआ है। इसकी कंप्लीट डिटेल तुम लोग ये पढ़ सकते हो, यहाँ पर सारी कंप्लीट डिटेल तुम्हारे सामने आ जाएगी, जो भी डिटेल तुम लोगों को चाहिए एक एक चीज इसमें लिखी हुई है, ये गौर से पढ़ लेना। और ऐसा ही कोई ग्राफिक्स कार्ड ले लो अगर नॉर्मल GTA 5 वगैरह और गेम्स तुम लोगों ने खेलने। और हाँ, i5 सेकंड जनरेशन मत लेना, मैं i5 सेकंड जनरेशन लेकर फंस गया हूँ, उसमें बहुत ज्यादा मसले आते हैं। कम से कम i5 थर्ड जनरेशन लेना ताकि तुम लोग अपग्रेड कर पाओ बहुत इजीली। इसके अलावा दोस्तों मैं AMD का ही सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, ये जो एड्रेनालिन एडिशन वर्जन है इसी में ही गेमिंग की रिकॉर्डिंग वगैरह ये सारी चीजें ऑप्शन देता है। तो तुम लोगों ने अगर AMD का ग्राफिक्स कार्ड लिया हुआ है तो एड्रेनालिन सॉफ्टवेयर डाल लेना और रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर पाओगे। और अगर तुम लोगों ने NVIDIA लिया हुआ है तो NVIDIA ने शेडो प्ले बनाया हुआ है, तो शेडो प्ले से भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो ग्राफिक्स कार्ड के सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग करोगे तो बहुत अच्छी होगी, OBS वगैरह इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं देते गेम्स की। तो दोस्तों ये मैंने एस्टीमेट जो टोटल लगाया है पूरे स्टूडियो का, मुझे कितना खर्चा हुआ है ये मैं पाकिस्तानी रुपीस में बता रहा हूँ PKR में, मुझे ये टोटल पड़ा है 72,500 पूरे स्टूडियो जो बना है मेरा पूरा, एक एक चीज, ये फोम, ये मैप, ये टेबल, ये माउस, ये माइक, ये रिंग लाइट्स, ये हेडफोन, सब कुछ और ये हुडी तक की, इसके पर प्रिंट तक का सब कुछ मिला के मुझे टोटल पड़ा है 72,500 रुपीस का। लेकिन अगर तुम लोग सिर्फ कंप्यूटर को देखो कि मेरा PC, मेरा मॉनिटर, मेरा माउस, मेरा कीबोर्ड, ये सारी चीजें और मेरा ग्राफिक्स कार्ड, ये मुझे कितने की पड़ी है, तो ये टोटल मुझे पड़ी है 56,500 रुपीस की। तो दोस्तों ये था मेरा डिटेल्ड कंप्लीट डिटेल्स में सेटअप टूर। उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो कंप्लीटली समझ में आ गई होगी और अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से तुम लोगों ने कंप्यूटर बनाना है और क्या पाकिस्तान में बजट हो सकता है कंप्यूटर का। इंडियन बजट भी अगर इसी बजट में बनाए तो बहुत आला, इससे अच्छा कंप्यूटर सेटअप पूरा बन जाएगा, पूरा स्टूडियो इससे ज्यादा अच्छा बन जाएगा इंडियन रुपीस में। और भी कोई डिटेल्स दोस्तों तुम लोगों ने लेनी हो तो तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने कमेंट कर देना है, और मैंने अपना बकायदा बैनर में भी लिखा हुआ है अपने चैनल के बैनर में कि मैं हर कमेंट का लाजमी जवाब देता हूं, तो मैं कमेंट का लाजमी जवाब दूंगा और तुम लोगों के मसले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। तो बगैर किसी टेंशन के बेफिक्र होकर कमेंट कर देना और कमेंट का जवाब तुम्हें लाजमी मिलेगा। और दोस्तों हाँ, चैनल दी नूब को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, आगे वीडियो को शेयर करो, ढेर सारे 1000-2000 लाइक कर दो। टेक केयर, बाय बाय।